यही वो चीज है जिसका उल्टा सीधा इस्तेमाल से, कम ज्यादा इस्तेमाल से आपके दांत परमानेंटली खराब हो सकता है, दांतों में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये क्या वो चीज है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आज हम दांतों को बिल्कुल सफेद और चमकदार बनाने का दो बहुत ही असरदार रेमेडी बताएंगे, जो कि आप बहुत ही आसानी से आपके घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हो। और किस कारण से आपके दांत खराब हो जाते हैं, पीली पड़ जाते हैं, उसका कारण भी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो रेमेडी है उसके लिए हम एक बाउल पे, मतलब प्लास्टिक के बाउल पे आप ले सकते हो या फिर कांच के ले सकते हो, पर स्टील के नहीं लेना है। इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच करीबन कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल मुंह के अंदर का जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करता है, दांतों में प्लग बिल्डअप को रोकता है। तो ये डेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार माना जाता है कोकोनट ऑयल को। अब इसी के साथ लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये गम डिजीज को रोकता है, हल्दी दांतों से प्लग रिमूव करता है और बैक्टीरिया को भी हटाता है, और दांतों के दाग और पीलापन को हटाने में हल्दी बहुत ही ज्यादा असरदार है। अब लेंगे इसी के साथ में हम सॉल्ट, जितना हल्दी ली है उतना ही हमें सॉल्ट लेना है। और सॉल्ट दांतों के बैक्टीरिया को खत्म करता है, पर ये दांतों के जो एनामेल है उसे इफेक्ट नहीं करता। आप जो टूथपेस्ट दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए मार्केट से लाते हो, वो आपके दांतों के जो एनामेल है उसे खत्म कर देता है धीरे धीरे, और फिर आपके दांतों में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये होममेड जो टूथपेस्ट हम बनाने वाले हैं उससे आपका दांतों का जो एनामेल है उसे इफेक्ट नहीं होता, और आपके दांत नेचुरली धीरे धीरे चमकदार और सफेद बन जाता है। अब हम इसके साथ 4 से 5 लौंग को ऐसे कूट के डाल देंगे। तो लौंग आपको पता ही है दांतों के लिए कितना ज्यादा असरदार होता है, ये मसूड़े के और दांतों का जो दर्द होता है उसको कम करता है, ये नेचुरल एनेस्थेटिक है और मसूड़ों को ये टाइट बनाता है, दांतों से जो खिसकने लगता है मसूड़े उस प्रॉब्लम को ये सही करता है। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने ली है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हम 2 से 3 बूंद ये नींबू के रस मिलाएंगे। ये छोटा सा मैंने एक नींबू ली है, नींबू छोटा हो बड़ा हो या फिर नया हो या पुराना हो कोई सा ही चलता है। नींबू के रस दांतों को सफेद बनाने में मदद करता है, लेकिन नींबू के रस को हम ज्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करने से ये दांतों में एसिडिटी पैदा करेगी। तो इसलिए जितना क्वांटिटी मैंने दिखाया है उतना ही आपको लेना है। और अब इस मिक्सचर को आपको सुबह और शाम एक एक बार दांतों में इस्तेमाल करना है। 2 मिनट तक इस पेस्ट से आपको दांतों को रब करना है। हर रोज आप ये पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो और इससे दांतों को कोई हार्म नहीं होता, और इसके कुछ ही दिनों का इस्तेमाल से आपको दांतों में फर्क नजर आएगा और दांत बिल्कुल सफेद और चमकदार बनने लगेगा। अब मैं दूसरा मिश्रण बनाऊंगी जिससे भी आप के दांत बिल्कुल सफेद और चमकदार बन सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा बाउल में फिर से थोड़ा सा ये टूथपेस्ट लेंगे। तो आप कोई भी पेस्ट ले सकते हो, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, आप कोई भी पेस्ट ले सकते हो। तो थोड़ा सा ही लेना है पेस्ट, मैं यहाँ पर टूथपेस्ट ले रही हूँ। कोई कोई रेकमेंड करते हैं कि टूथपेस्ट के बदले में आप बेकिंग सोडा लीजिए। तो बेकिंग सोडा से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगी। और पेस्ट के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये नमक लेंगे। नमक और हल्दी का बेनिफिट्स मैं पहले बता चुकी हूँ। और अब हम यहाँ पर ये 1/4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो सरसों के तेल के बारे में जितना कहा जाए कम है। सरसों के तेल फ्लोराइड का एक नेचुरल सोर्स है, और आपके पेस्ट में सॉल्ट होना हो, नमक हो या ना हो, लेकिन फ्लोराइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गम्स और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सरसों के तेल आपके मसूड़े को और दांतों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, और दांतों में जो प्लग बिल्डअप होता है उसे भी ये हटाता है और मसूड़ों को बैक्टीरिया से दूर रखता है। तो इसलिए हम इसमें ये सरसों के तेल मिला रहे हैं। और किसी को अगर पायरिया का प्रॉब्लम है, मतलब मसूड़े से खून आने का प्रॉब्लम है, वो भी इस पेस्ट के इस्तेमाल से पायरिया से छुटकारा पा सकते हो। तो ये पेस्ट भी आपके दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो
तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा के बारे में। हर कोई रेकमेंड कर देता है कि बेकिंग सोडा के साथ नींबू के रस मिला लीजिए या फिर बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिला के फिर आप दांतों में लगाइए तो आपका दांत बिल्कुल चमकदार बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा का उल्टा सीधा इस्तेमाल से आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। मतलब कोई भी ठंडा चीज़ें या फिर गर्म चीज़ें खा लीजिए तो आपके दांत में झंझनाहट हो सकता है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो है ये दांतों के जो एनामेल होता है उसे ख़त्म कर देता है। तो इसलिए दांत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और परमानेंट दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप बेकिंग सोडा को दांतों में इस्तेमाल करें भी तो बहुत ज़्यादा जानकारी के साथ और बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक या दो बार से ज़्यादा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। और मैंने जो दो रेमेडी बताए हैं उससे आपके दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दांतों में कई कारणों से पीलापन आ जाता है, जैसे कोई बीमारी के वजह से होता है या फिर तांबाकू, गुटखा और धूम्रपान के वजह से भी दांतों में पीलापन आ जाता है, या फिर चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन करने से भी कई बार दांत पीला पड़ जाता है। तो इस दो रेमेडी से आप आसानी से आपके दांतों को चमकदार और सफ़ेद बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे बहुत शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।